किसी भी सुहागिन महिला के लिए 16 श्रृंगार का बहुत बड़ा महत्व है। इन 16 श्रृंगारों में शामिल मांग टीका, सिंदूर, बिंदी, काजल, नथ, कान के गहने, मंगलसूत्र, गजरा, बाजूबंद, चूड़ियां, अंगूठी, मेहंदी, कमरबंद, पायल, बिछिया और लाल जोड़ा न सिर्फ किसी विवाहित महिला के सुहाग का प्रतीक है, बल्कि ये व्यक्तित्व और स्वास्थ्य में भी 4 चांद लगाने का काम करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी पुरुषों को 16 श्रृंगार करते देखा है? सुनने में ये थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है। अक्सर आपने लड़कियों को मन चाहा पति पाने की मनोकामना लेकर व्रत रखते देखा होगा, लेकिन आज हम आपको ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे जहां पुरुष अच्छी पत्नी की कामना लेकर जाते हैं, वो भी महिलाओं की तरह पूरे 16 श्रृंगार के साथ। यहां आने वाले हर पुरुष का एक खास मकसद होता है। पुरुष यहां जीवन से बेहद खास मन्नत लेकर पहुँचते हैं। दरअसल पुरुषों से जुड़ा ये अजीबो गरीब रिवाज साउथ इंडिया के सबसे खूबसूरत राज्य केरल में है। यहाँ एक प्राचीन मंदिर है जिसका नाम कोट्टन कुलंगरा श्री देवी मंदिर है, जिसके गर्भगृह के ऊपर छत या कलश नहीं है। यहाँ 12 महीने मन्नत मांगने वालों की भीड़ लगी रहती है। बता दें कि इस मंदिर के पीछे एक मान्यता है कि जो भी पुरुष यहाँ देवी माँ के दर्शन या पूजा करने महिला की वेशभूषा में आएगा, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। इसलिए यहाँ आने के लिए मर्द महिलाओं की तरह साड़ी पहनते हैं और पूरा श्रृंगार करने के बाद माँ भगवती की पूजा अर्चना करते हैं। मंदिर परिसर में अलग से ऐसे कमरे बनाए गए हैं जहाँ पर मेकअप के सामान से लेकर नई नई साड़ियाँ तक मिलती है। इतना ही नहीं, यहाँ पर कुछ महिलाएं भी मौजूद रहती हैं जो मर्दों को तैयार करने में मदद करती हैं। पुरुषों को इस तरह सजाया जाता है कि कई बार तो उनको पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर में माता की मूर्ति अपने आप प्रकट हुई थी। कुछ चरवाहों ने माता की मूर्ति को देखा और इस मूर्ति की पूजा महिलाओं का रूप धारण करके की। जब कुछ चरवाहों ने महिलाओं के कपड़े पहनकर माता रानी पर पुष्प अर्पित किया तो इसके बाद पत्थर से दिव्य शक्ति निकलने लगी। बाद में इसे एक मंदिर का रूप दे दिया गया। तभी से पुरुषों को इस मंदिर में प्रवेश के लिए महिलाओं का रूप धारण करना होता है। हर साल श्री कोट्टन कुलंगरा मंदिर में चाम्या विलक्कू उत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है और ये परंपरा हजारों साल पुरानी है। हमारे देश में तीर्थ स्थानों में पूजा पाठ को लेकर तमाम तरह की परंपराएं हैं, जिसको लेकर व्यक्ति विशेष के लिए कई तरह के नियम भी हैं। लेकिन केरल का ये कोट्टन कुलंगरा देवी मंदिर अपनी इस अनोखी परंपरा के कारण न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी खासा लोकप्रिय है। इस अनोखे मंदिर की इस अनोखी परंपरा के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।